Hey guys, welcome to my channel Let's Sound Fluent. So guys, in today's video I'm going to share with you all some new vocabulary words. So if you're new to this channel, then you can subscribe to my channel for upcoming new videos. So guys, let's get into the video without a further ado. So guys, आज की वीडियो का फर्स्ट वर्ड है extinguish. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना, डिस्ट्रॉय करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, फायर फाइटर्स ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर्स. मतलब हिंदी में कहे तो किसी चीज़ को नष्ट करना. एंड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है कॉइंसाइड. इसका मतलब होता है अगर एट द सेम टाइम, यानी कोई चीज़ जो एक साथ हो रही हो उसे हम कहेंगे कोइंसाइड. फॉर एग्जांपल, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी डू नॉट कोइंसाइड इन ओपिनियन. सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड है अक्लाइमेटाइजेशन. इसका मतलब होता है द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ बिकमिंग अकस्टम टू अ न्यू क्लाइमेट और टू अ न्यू कंडीशन. मतलब जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ के क्लाइमेट और कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना, या किसी चीज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाना, उसे आप कह सकते हैं अक्लाइमेटाइजेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्लाइमेटाइजेशन टू हायर एल्टीट्यूड्स में टेक सेवरल वीक्स. एंड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है ओपेक. इसका मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, हार्ड टू अंडरस्टैंड. यानी कोई चीज़ जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, समझने में डिफ़िकल्ट है, उसे आप कह सकते हैं ओपेक. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ओपेक थिंग. तो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी. इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीज़न और सिस्टम. यानी जब आप कोई चीज़ अपने मन के मुताबिक करते हैं या कोई ज़िद के अकॉर्डिंग, तो उसे आप कह सकते हैं आर्बिट्ररी. यानी किसी चीज़ को मनमाने तरीके से करना, उसे आप कह सकते हैं आर्बिट्ररी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेड एन आर्बिट्ररी डिसीजन टू टेक द कार. एंड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिकुअसली. इसका मतलब होता है इन अ क्लियर विजिबल वे. यानी कोई चीज़ जब क्लियरली विजिबल हो, तो उसे आप कह सकते हैं कॉन्स्पिकुअसली. इन अ वे डैट अट्रैक्ट्स नोटिस और अट्रैक्शन. यानी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट भी कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉन्स्पिकुअस एरर. एंड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेंडिंग. इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन सून. यानी कोई चीज़ जो जल्द होने वाली हो, कुछ अनप्लीजेंट चीज़, उसे आप कह सकते हैं इम्पेंडिंग. यानी कोई चीज़ जो अनप्लीजेंट होने वाली हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द इम्पेंडिंग क्राइसिस ओवर ट्रेड मेड एवरीवन नर्वस. एंड गाइज, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेल. इसका मतलब होता है मेक अ डाउट फीलिंग और बिलीफ डिसअपेयर. यानी किसी के डाउट फीलिंग या बिलीफ को डिसअपेयर करना, उसे ख़त्म करना, उसे रॉन्ग प्रूफ करके. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी होप द प्रोग्राम विल डिस्पेल सर्टेन मिसकंसेप्शंस अबाउट द डिजीज़. नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव. इसका मतलब होता है बिटर एंड